हम पढ़ेंगे जीवाणु का आकार, है ना, मतलब कि साइज। जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होने के कारण से क्या होते हैं कि एकदम सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए जो इनकी साइज होती है वो कैसे होती है, तो इनकी साइज जो है वो 0.15 म्यू होता है, है ना, कितना होता है, म्यू एम से 15 म्यू एम, है ना, तक हो सकती है। मतलब ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो इनकी साइज़ होती है 0.15 म्यू एम से 15 म्यू एम तक पाया जाता है। अब यदि हम इसकी साइज़ देखेंगे तो जीवाणु जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, है ना। तो देखिए जीवाणु का आकार, जीवाणु कैसे कैसे आकार में होते हैं, है ना, तो गोलाकार, गोलाकार हो सकते हैं। छड़ाकार मतलब क्या होंगे कि जीवाणु होंगे उसकी आकृति कैसी होगी, छड़ के समान होगी, है ना। और कैसी हो सकती है, सर्पीलाकार, मतलब कैसा रहेगा, सर्प के आकृति में रहेंगे, सर्पीलाकार भी हो सकते हैं। विब्रियो मतलब, विब्रियो का मतलब यहाँ पर है कि कौमा, जैसे कौमा बनाते हैं हम तो इस शेप में बनाते हैं, तो उसी प्रकार से जीवाणु भी हो सकता है, है ना। तंतुवद भी हो सकता है, सवृंत, है ना, मतलब वो किस टाइप का रचना रहेगा, ऐसे नीचे क्या रहेगा, वृंत रहेगा, है ना, और ऊपर क्या रहेगा, ऐसे फूला हुआ संरचना होता है, तो ये संवृंत कहलाता है। कलिका युक्त में क्या होगा कि वो कलिका के समान रहेंगे, है ना, इस प्रकार से वो क्या रहेंगे, रचना में पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कलिका युक्त बोलते हैं। तो इस प्रकार से पाया जाता है जीवाणुओं का आकार। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गोलाकार को देखते हैं, तो पहला साइज देखेंगे गोलाकार जीवाणु। गोलाकार जीवाणु को कोकस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोकस, है ना, याद रखेंगे कि जो गोलाकार जीवाणु होते हैं उसको कोकस बोला जाता है। ये क्या होते हैं, तो ये जीवाणु गोल होते हैं, जो गोलाकार जीवाणु हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं। इनकी जो साइज होती है, तो इनकी जो साइज़ होती है वो 0.5 म्यू से 1.25 म्यू तक हो सकती है, है ना। यहाँ पर जो कोकस है, तो अकेले बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, कोकस बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर गोलाकार जीवाणु है, तो यदि एक गोला में यदि जीवाणु पाया जाता है, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल को, है ना, कोकस बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकेले जीवाणु को कोकस कहा जाता है, है ना, क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। यदि एक गोला है तो वो एक कोकस कहलाता है, है ना, यदि इसमें दो गोला हो जाएंगे तो दो कोकस कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अकेले जीवाणु को कोकस कहा जाता है। गोल जीवाणु, है ना, ये जीवाणु गोल होते हैं, इनका जो व्यास होता है वो 0.5 म्यू से 1.25 म्यू तक होता है। तो ये जो गोलाकार जीवाणु हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है गोलाकार जीवाणु में माइक्रोकोकस। तो यहाँ पर माइक्रोकोकस किसको बोलेंगे, अकेले गोलाकार बैक्टीरिया, है ना, जब एक गोलाकार जीवाणु होगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि जो जीवाणु रहेगा वो एक गोलाकार आकृति में यदि है, है ना, तो यहाँ पर कितने कोकस हैं, तो यहाँ पर है वन कोकस हैं, तो एक कोकस को बोला जाता है माइक्रोकोकस। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अकेले गोलाकार जीवाणु को, अकेले गोलाकार जीवाणु को माइक्रोकोकस कहा जाता है। है ना, इस प्रकार से एक गोलाकार यदि जीवाणु है तो क्या कहलाता है, माइक्रोकोकस या एक कोकस कहलाता है। तो हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कौन कौन से माइक्रोकोकस बैक्टीरिया होते हैं।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एगेलिस, है ना। जो एगेलिस नामक जो जीवाणु आता है वो केवल एक गोलाकार आकृति में होता है, इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोकोकस। दूसरा देखेंगे हम डिप्लोकोकस। तो यहाँ पर डिप्लो का मतलब क्या होगा, डबल। मतलब यहाँ पर कितने कोकस बनेंगे, दो कोकस आपस में मिलकर डिप्लोकोकस जीवाणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो कोकस आपस में मिल जाते हैं, मतलब जो डिप्लोकोकस जीवाणु होते हैं वो दो गोलाकार आकृति से मिलकर बना होता है ना। तो ये कितने कोकस हो गए, यहाँ पर दो कोकस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब दो कोकस एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस कहा जाता है। दो कोकस एक साथ पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जीवाणु को बोला जाता है डिप्लोकोकस। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि डिप्लोकोकस में कौन आता है, तो डिप्लोकोकस में आता है निमोनी, है ना। कौन आता है, निमोनिया जो बैक्टीरिया पाया जाता है, है ना। कौन सा बैक्टीरिया, निमोनिया। ये निमोनिया जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया नामक रोग फैलाता है। तो जो निमोनिया नामक बैक्टीरिया होता है वो डिप्लोकोकस होता है, यह दो कोकस से मिलकर बना होता है। अगला हम देखेंगे टेट्राकोकस। अगला है गोलाकार जीवाणु में टेट्राकोकस। टेट्रा का मतलब होता है यहाँ पर चार कोकस। तो यहाँ पर कितने गोलाकार जीवाणु आपस में मिलकर टेट्राकोकस बनाएंगे, तो चार कोकस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्राकोकस जीवाणु का निर्माण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने कोकस हैं, चार कोकस हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चार कोकस एक साथ मिलकर, है ना, क्या बनाते हैं, टेट्राकोकस का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, तो इसका एग्जांपल होगा टेट्राकोकस ही होगा, है ना। टेट्राकोकस नामक जीवाणु आता है, टेट्राकोकस। तो जो टेट्राकोकस नामक जो जीवाणु आता है वो चार कोकस से मिलकर बने होते हैं, मतलब चार गोले आपस में मिलकर टेट्राकोकस जीवाणु बनाते हैं। अगला हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अगला गोलाकार जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु में जो कोकस होते हैं, है ना, उसकी एक लंबी श्रृंखला होती है। यहाँ पर कोई गिनती नहीं होता है, एक क्या होती है, एक लंबी चैन होती है, है ना। तो ये बहुत सारे कोकस आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि जो कोकस होते हैं उसकी एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। जो दूध में पाया जाता है, है ना, जो लैक्टिस होते हैं ये क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस है, है ना, जो दूध में पाया जाता है, ये क्या होती है, कोकस की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। यहाँ पर क्या होता है कि जो कोकस होते हैं वह अनियमित आकृति में जमे होते हैं, और कौन से जीवाणु का निर्माण करते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस का निर्माण करते हैं। एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं किसके अंतर्गत कौन आता है, तो इसमें आता है एल्बस, है ना, उसको पूरा नाम बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। जो एल्बस नामक जीवाणु होता है वो स्टेफाइलोकोकस के अंतर्गत आता है। अब अगला है सरसीना। फिर अगला है सरसीना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोकस होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, आठ होते हैं, है ना। आठ कोकस मिलकर सरसीना जीवाणु का निर्माण करते हैं, लेकिन जो आठ कोकस होते हैं वह घनाकार आकृति में अरेंजमेंट होते हैं,
जिसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो आठ कोकस होंगे वो कैसे अरेंजमेंट होते हैं, है ना। तो जो चार रहेंगे वो सामने में दिखाई देते हैं और जो आठ होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, इनके पीछे उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से एक संरचना में वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो पीछे का रहता है वो हमको पूरा दिखाई नहीं देता क्योंकि ये घनाकार होते हैं ना, एक डिब्बे के रूप में वो प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से क्या है, एक घन होता है ना, और इसी रूप में जो आठ सरसीना होते हैं वह प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ये, और बीच में एक होता है। तो ये जो आठ कोकस होते हैं वह घन की आकृति में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के कोकस को बोला जाता है सरसीना जीवाणु। इसका एग्जाम्पल है सरसीना, है ना। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, सरसीना नामक जीवाणु ही होता है जो आठ कोकस से मिलकर बना होता है और घन की आकृति में यह होते हैं, घन आकृति में, ठीक है। तो इस प्रकार था गोलाकार जीवाणु।